हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसीसी इंग्लिश मसाला। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चल रहा है हमारा 90 डेज ग्रामर चैलेंज। इसका आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डे 89। डे 89 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और आग लगा देने वाली सिचुएशन, जो है यूज ऑफ सूनर और लेटर, जिसका हिंदी मीन्स होता है कभी ना कभी। तो चलिए फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं यूज ऑफ सूनर और लेटर के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूज ऑफ सूनर और लेटर के हिंदी वाक्य कभी ना कभी तो से स्टार्ट होते हैं और गा घी गे पे फिनिश होते हैं। जैसे कभी ना कभी तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, या फिर कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे, या फिर कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊंगा, या फिर कभी ना कभी तो वह मुझे याद करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के ढेरों सेंटेंसेस हम इस पहचान को यूज करके बना सकते हैं। और ऐसे सभी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले हमें यूज करना है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर के जस्ट बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें यूज करना है विल। विल के बाद हमें यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, कभी ना कभी तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश पे ट्रांसलेट करेंगे, सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। हमारा सेकंड एग्जांपल है, कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश पे ट्रांसलेट करेंगे, सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। हमारा थर्ड एग्जांपल है, कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊंगा। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सूनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका। हमारा फोर्थ नंबर पे एग्जांपल है, कभी ना कभी तो वह मुझे याद करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना और ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जानने वालों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।